हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्स पेज। आज के इस वीडियो में सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में जानेंगे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है लेटर, ए टू जेड जो सेट है उसमें से किसी को प्रयोग में लिया जाए तो ये लेटर हो गया। दूसरा है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट वह होता है ए टू जेड जो सेट होता है वह आपका अल्फ़ाबेट होता है। तीसरा है वर्ड, लेटर्स से मिलकर जिसका कोई मतलब निकलता है वर्ड कहलाता है। चौथा है वावल, ए टू जेड जो सेट होता है उसमें ए ई आई ओ यू को वावल कहते हैं। पांचवा है कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब सेंटेंस को जानते हैं। सेंटेंस का डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब है कि शब्द का वह समूह जो पूर्ण भावना प्रदर्शित करे वाक्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का वह समूह जो बात समझ में आ जाए वह सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, राम स्कूल जाता है। राम जो है वर्ड है यानी कि शब्द है, और शब्दों का समूह ये है। जो शब्दों का समूह है और कोई मतलब निकल रहा है तो ये आपका हो गया सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपका हो गया शब्द, और शब्दों का समूह जिसका मतलब निकल रहा है ये हो गया आपका सेंटेंस। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम मोबाइल प्रयोग करते हो। चौथा है, वर्षा हो रही है। सो गाइज, अब अगले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। सो इस तरह से सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।